बे सांड, पूरी गाड़ी को हिला के रख दिया था, अब रॉक एंड रोल नहीं करेगा? जानता है तुझे किसने किडनैप किया है? मैं रघुपति हूँ, दुनिया में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू तो गयो। ये मेंटल, तुझे मालूम तो किसको उठा के लाया? कोई भूत है क्या? मम्मी! अबे तेरी तो फोड़ मारो भाई से। एक सेकंड में रस्सी नहीं खोली तो तुम सबको रस्सी पे लटका दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो। बजा गधे, बेवकूफ, मार! किसे उठा के बोलो था? किसे उठा कर लेकर आया? मुझे किडनैप क्यों किया? गजा, ये पहले दिन से मुझसे चलता है। हाँ। मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। मार, मार, उसके पिछवाड़े में। अरे हम सही एड्रेस पे गए थे, नारायण मूर्ति के घर पे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम नारायण मूर्ति के घर पर गए थे? हाँ सूर्य, ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने। कौन से मूर्ति की बात कर रहे हैं? सिटी प्लानर नारायण मूर्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो साम दाम दंड भेद ट्राई किया वो? नारायण मूर्ति के लिए एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन जरूर करेगा। मैं अपने पापा के खिलाफ साजिश कर रहा था। नारायण मूर्ति तेरे पापा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त की मदद करने गया जिसने पापा की जान बचाई थी, पर मैंने पापा की जिंदगी खतरे में डाल दी। हमेशा सबसे कहता था मेरे पापा सबसे अच्छे। पापा तो सभी के अच्छे होते हैं, कोई बेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता? इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाया सूर्य? सूर्य रिलैक्स, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सब शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है। सूर्या के पापा ही वो ऑफिसर हैं, काम थाई गए हो। सूर्या तुम ही जाके साइन लेकर आ जाओ, किस्सा ही खत्म। सूर्या साइन ले आओ ना। कौन सा साइन? सब कुछ तो पता है सूर्या, फाइल पे एक साइन लेकर आ जाओ। पापा जाओ उसे। उसे भूलना इम्पॉसिबल है सूर्या। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए। मैं 25 सालों से पप्पा को जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते, भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साइन तो करवा के ही रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से, मुझे साइन चाहिए। नहीं होगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 3000 करोड़ की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गजा भाई से ऊंची आवाज में बात करता है। ये गजा तुझे फोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है। तो सोच, जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे, भूल जा, मैटर यहीं क्लोज कर दे। बेटे को किडनैप करेंगे तो बाप झक मार के साइन करेगा, ये तूने ही कहा था। इसके हाथ पैर तोड़ के रस्सी से बांध दो साले को। मुझे मार खाने का शौक नहीं है। सूर्य की क्रोध की अग्नि में जिस जिस को जलना है मेरे सामने आ जाए।
अकेला इन जैसे 100 गुंडों को मार सकता है, लेकिन उसे छू भी नहीं सकता। रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है वो, 5-time विनिंग MLA शिवलिंगम राजप्पा। अगर मैं तेरे पापा से साइन नहीं भी करवा पाया तो वो मुझ जैसे 10 क्रिमिनल को खड़ा कर देगा। शहर के हर क्रिमिनल को कॉन्ट्रैक्ट देता रहेगा जब तक कोई वैश्विक दरिंदा तेरे बाप के हाथ काट के उससे साइन नहीं करवा लेता। कान खोल के सुन ले, वो बड़ा मिनिस्टर हो, शहर के 1000 गुंडों को जानता हो, पार्टी और गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट हो, चाहे कोई भी पापा की जान का दुश्मन बने, अपनी जान देकर उनकी हिफाजत करूंगा। क्या वो मिनिस्टर एक साइन के लिए अपनी जान दे सकता है? जाके बता दे उसे, आज के बाद किसी भी वजह से किसी भी इंसान ने उन्हें मारने की कोशिश तो दूर, उनकी तरफ कदम भी बढ़ाया ना, तो मार दूंगा उसे। ये नारायण मूर्ति के बेटे सूर्या का वादा है। वो इंसान जिसके लिए काम उसका धर्म है, ईमानदारी उसकी पहचान है, जिसका सर आज भी फक्र से ऊंचा है, उसका नाम है नारायण मूर्ति। जो उनका सर झुकाने की कोशिश करेगा उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। पप्पा है वो मेरे। बधाई हो। अरे अभी तक होम मिनिस्टर बना नहीं हो। बनी गए जीजा जी, पार्टी प्रेसिडेंट का फुल सपोर्ट है आपको। सत्ता के गलियारों में बस एक आप ही की तो चर्चा है। कांग्रेट सर, ये आपके लिए गिफ्ट। दिल्ली से 500 करोड़ का टेंडर मैंने तुम्हें दिलवा दिया, अनि तुम मला 10 लाखाची गाड़ी चिपकोतो है। कार के अंदर 50 करोड़ का बैग भी है सर। तुम जाओ यार। मैं यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस जाऊंगा। ध्यान रखना, गाड़ी की कीमत 50 करोड़ 10 लाख रुपए है। बॉस, कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में 50 करोड़ रखे हैं। हाँ, पानी के फुगे क्यों फेंक रहा है? ये होली नहीं खेल रहा है, कुछ तो लोचा जरूर है। ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। अबे मर्दा के सेंटर लो खोल। खोल 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 खोल। अरे तो निकले। बच गए वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता। किसी का बच गए? अबे बैग जल गया तो जीजा जी भी हमें जिंदा जला देंगे। लेके अरे कमबख्तों, बैग निकालो जल्दी से, जल्दी करो। देखो बॉस, मैंने बैग को बचा लिया। चुप है ना, टकला इतना बड़ा है, अकल बिल्कुल नहीं है। 50 करोड़ घेऊन गेला कोण होता तो? कैसा दिखता था? काला डिजाइनर जैकेट, मस्त काली बाइक, क्या एंट्री थी बॉस। एंट्री आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। बाइकर एकदम हाइपर था। अरे मैं यहाँ उसका हुलिया पूछ रहा हूँ और तू मुझे गाड़ी के बारे में बता रहे? टकले, शिवलिंगम राजप्पा के 50 करोड़ उड़ा के ले गया। कौन है वो साला? कौन है? घेऊन गया। मिनिस्टर से मिलना है। नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है। मैं ही वो टेंशन हूं। ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए, मैंने ही लूटे थे। अमुखी दे। बेसुने सर, कौन आए रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। बटला, तो बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर। तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर। तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, मैं इनमें से कोई नहीं, मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का। चले जाइए यहाँ से।
सर, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है, लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूँ। इतना पागल हूँ कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंगस्टर से दोस्ती कर ली। आप ही का आदमी है गजा। जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला आया। सर, सोसाइटी के ज्यादातर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं। आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन मेरे पापा ईमानदारी के लिए जीते हैं। पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। सर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं। एक अरबपति होते हुए भी अगर आपको 50 करोड़ खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ तो वो अपना स्वाभिमान और उम्र भर कमाई हुई इज्जत कैसे खो सकते हैं, वो भी एक छोटे से साइन के लिए। ये तो नाइंसाफी है ना। मेरे पापा 15 दिन में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें खुशी खुशी रिटायर होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए। यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था। किसी मिडिल क्लास आदमी को आपकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलता हूँ। बड़े मिनिस्टर हैं, बेसी जाओ। ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पापा की हिफाजत के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इनसे खतरनाक हूं और आपसे भी। लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसी। आखिरी बार समझाता हूं, अगर मेरे पापा खुश तो मैं भी खुश। ये थी पर्सनल बात, इसे भूल जाइए। अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगे। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना।